દાદરાનગર હવેલીમાં ચાલી રહેલા નાગજુવા ડેવલોપર્સ બિલ્ડિંગની સાઇટ પરથી 3.20 લાખનો બિલ્ડિંગ મટીરીયલ સામાનની ચોરી કરનાર 4 આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડી તેની પાસેથી ચોરીનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સેલવાસ પોલીસ મથકે નાગજુવાડા ડેવલોપર ચાલી રહેલા કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પરથી સામાન ચોરી થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જે ફરિયાદ અનુસંધાને સેલવાસ પોલીસે 3.20 લાખનો ચોરીનો બિલ્ડિંગનો મટીરીયલ્સનો સામાન લઈ જતા 4 આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. हमारे जो स्पेशल सिलवास पुलिस के स्पेशल ब्रांच के अफसर हैं ASI AR वड़ाविया और उनके स्टाफ हेड कांस्टेबल पीयूष यादव, कांस्टेबल PD पटेल और JS बारिया, ये लोग अपना सरप्राइज चेकिंग कर रहे थे. सुबह करीब 3 बजे उनको एक टाटा 407 टेम्पो रिंग रोड पे मिले. उसमें कुछ लोखंड के जो बिल्डिंग मटेरियल के सरिये होते हैं वो लेके जा रहे थे. तो उनको डाउट हुआ कि भाई ये सुबह सुबह इतना सुबह लेके घूमते हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. उस हिसाब से उन्होंने गाड़ी रोका और ड्राइवर को उनसे डिटेल मांगा कि भाई ये बिल वगैरह दो. तो कोई बिल दे नहीं पाया ड्राइवर ने और ना ही वो मटेरियल कहाँ से लाया, क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल दे पाया उसको. इस वजह से फिर उन्होंने उसको 41-1D CRPC में अटैच करके थाने में सौंपा. थाने में ये जो है बीट इंचार्ज ASI PM पताई को इसका तहकीकात दिया गया कि क्या है पता करें. उनके तहकीकात में ये मालूम चला कि ये मटेरियल जो है ट्रॉपिकल ग्रीन्स करके जो कंस्ट्रक्शन साइट है अयप्पा मंदिर से जो आगे रोड जाता है कुरकुरफुड़िया में, वहाँ पे वहाँ का मटेरियल है. और ये जो इसमें शामिल लोग थे, जो टेम्पो ड्राइवर है और साथ में एक रिक्शा वाला था, ऐसा 3-4 लोग, एक विकास प्रभुनाथ पांडे हैं जो कि इसका वॉचमैन थे जो ट्रॉपिकल ग्रीन्स के, साथ में झरू नारायण पटेल, दीपक झरू पटेल और संदीप धीरू पटेल, ये तीनों जो है बोम्बापाड़ा बालदेवी के रहने वाले, ये मटेरियल लेके अपने घर लेके जा रहे थे. तो ये तहकीकात में उनको मिला तो उन्होंने अपना जो ट्रॉपिकल ग्रीन्स के जो मालिक है उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा चीज़ मिले हैं, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए उनको बुलवाया. तो उन्होंने फिर ये कंफर्म किया कि उनके वहाँ से ये चोरी हुआ है और उसका उन्होंने कंप्लेंट दिया हमको. उस कंप्लेंट का हमने कंप्लेंट रजिस्टर करके आगे और तहकीकात करते हुए हमको ये मालूम चला, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, इनका रिमांड 17 तारीख तक का रिमांड मिला है. और आज आगे और तहकीकात करने में हमको इनके ये जो हमने 3 नाम बताए, जरू नारायण, दीपक जरू और संदीप धीरू, इनके घर के बगल में लोग कोई चाल बना रहे, वहाँ पे एक गोडाउन जैसा बना कर रखे हैं और उस गोडाउन में और बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट है, पाइप है, बिल्डिंग ये पेवर ब्लॉक्स हैं, ग्रेनाइट, मार्बल, जो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है वो सब वहाँ पड़ा हुआ मिला. ये सब का हमने पंचनामा किया है. करीब 3,20,000 का मटेरियल वहाँ से हमको मिला है. अब वो हमने पंचनामा में अटैच किया है, आगे तहकीकात और चालू है इसमें. सर ये जो तहकीकात हो रहा है पर ये जो है एक टाइम का नहीं है, जैसे इस बार पकड़ा गया उसमें सिर्फ सड़िया लेके जा रहा था, वैसे ये जो टाइल्स और ये सब है वो पहले इन्होंने वहीं से निकाला हुआ है. मतलब बार बार ये करते जा रहे हैं, स्टोर कर रहे थे.